नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप कुमार गरवाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डेली डोज में। आज है 4 नवंबर 2020 और हम लोग डिस्कस करेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। पहला सवाल है, आईसीआईसीआई लंबार्ड अलॉन्ग विथ विच कंपनी गोइंग टू ऑफर हेल्थ इंश्योरेंस सॉल्यूशन। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, जो कि आपकी बेसिकली जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, प्लांट है, ब्रांच है आपकी आईसीआईसीआई की, तो ये किसके साथ पार्टनरशिप कर रही है या फिर किसके साथ ये मिलकर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही है। तो ये जो आपका करने वाली है या फिर करने जा रही है, ये है आपका फ्री पे कार्ड। आईसीआईसीआई लंबार्ड और फ्री पे कार्ड दोनों मिलकर हेल्थ इंश्योरेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगी। और ये जो हेल्थ इंश्योरेंस आपके सॉल्यूशन है, ये प्रोवाइड की जाएगी आपकी फ्री पे कार्ड जो के जो कस्टमर है या फिर जो मेंबर है उनको, ताकि वो जो अब जो भी उनके साथ साथ ही आपकी उनकी शॉपिंग और गुड सर्विस में भी हेल्प करती है जो फ्री पे कार्ड है। तो ये जो प्लान है ये आपकी रिसीव की जाएगी बाय एनी मेंबर ऑफ द फ्री पे कार्ड, ठीक है, चाहे वो उनकी किसी भी तरह की इंजरी हो या फिर उनको हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़े ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, ये है। उसके बाद फिर ये जो इंश्योरेंस है ये ऑफर करती है आपके 3 वेरिएंट्स में, ठीक है। प्रोडक्ट वो है आपकी हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट, डेथ बेनिफिट एंड स्पेशल वेक्टर बॉर्न डिजीज रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट, ठीक है। ये 3 तरह की आपकी वेरिएंट्स है जो कि लॉन्च की जा रही है। और जो बता दूं मैं, आईसीआईसीआई के जो लोम्बार्ड के जो सीईओ हैं वो है भार्गव दास गुप्ता। अगला सवाल है, ऑन विच बैंक आरबीआई इम्पोजेज मॉनेटरी पेनल्टी फॉर रूल वायलेशन। तो आरबीआई ने किसके ऊपर जुर्माना लगाया है क्योंकि उन्होंने आरबीआई की जो रूल्स रेगुलेशन है उनको वायलेट किया है, ठीक है, फॉलो नहीं किया है। तो ये किया गया है डीसीबी बैंक और साथ ही साथ जियो पेमेंट बैंक, ठीक है। डीसीबी बैंक और जियो पेमेंट बैंक पर ये पेनल्टी लगाई गई है बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है। तो जो आपकी डीसीबी बैंक है उसको आपको 22 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, पेनल्टी लगाया गया है फॉर द नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन प्रोविजन ऑन मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन और म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस। कि ये जो मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन है चाहे म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस है उसके रिलेटेड में वो लोग लगाए इस पे आपकी पेनल्टी। और ये पेनल्टी लगाया गया है अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 47A 1C और सेक्शन 46(4)(i) के तक, जो कि आपकी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के 1949 में आती है। वही अगर जियो पेमेंट बैंक पे देखें तो जियो पेमेंट बैंक के ऊपर 1 करोड़ का जुर्माना लगा है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने टाइमली सबमिट नहीं की थी एप्लीकेशन कि वो अपना जो मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी कह लो या फिर सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफिसर को अपॉइंट कर रहे हैं, री अपॉइंट कर रहे हैं, तो इसकी जो सूचना है वो सही समय पे नहीं दी थी। तो ये दोनों बैंक पे इम्पोज किया गया है पेनल्टी। अगला सवाल है, विथ हुम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कोलाबरेट फॉर डिजिटल सर्विस। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन किसके साथ कोलाबरेट कर रहा है, पार्टनरशिप कर रहा है ताकि वो डिजिटल सर्विस प्रोवाइड कर सके। तो ये किया जा रहा है आईबीएम के साथ, ठीक है। आईबीएम बहुत ही बड़ी कंपनी है जो कि टेक जाइंट के नाम से जाना जाता है। तो उसने आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ आपकी पार्टनरशिप की है, कोलैबोरेट की है ताकि वो डिजिटल सर्विस प्रोवाइड कर सके। तो लगभग बता दूं आपको तो 12,400 जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो कि आपके कवर करते हैं लगभग 130 मिलियन कंज्यूमर, वो अब इंडियन ऑयल वन मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं और जो कि डेवलप की गई है आईबीएम सर्विस के द्वारा, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत जो भी रियल टाइम अपडेट होगी, चाहे इन्वेंट्री, ऑर्डर्स, इनवॉइस, ये सब चीज का उसमें इंफॉर्मेशन रहेगा ताकि सब कुछ आपका रियल टाइम पे हो सके। अगला सवाल है, हु बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ मुंबई पोर्ट ट्रस्ट। तो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के न्यू चेयरमैन किन्हें चुना गया है, तो ये चुना गया है राजीव जलोटा जी को। राजीव जलोटा जी का जो अपॉइंटमेंट है वो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है और इनको एज अ न्यू चेयरमैन अपॉइंट किया गया है मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का। तो ये जो है ये सीट लगभग ये 31 जुलाई से खाली थी क्योंकि इसमें जो पड़े थे संजय भाटिया जी,
ठीक है, तो उनको चुना गया है एज अ लोकायुक्त ऑफ महाराष्ट्र। इसके बाद बता दूं, जो जलोटा जी हैं वो महाराष्ट्र के पहले गुड्स एंड सर्विस टैक्स कमिश्नर भी रह चुके हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया? तो ई एस एस सी आई के न्यू सीईओ सीईओ किन्हें चुना गया है? तो ये चुना गया है पीबीजी मेनन को। ठीक है, पीबीजी मेनन को आपका चुना गया है एज अ न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया। ये जो आपकी ई एस एस सी आई है, सीआई है, ये काम करती है, बेसिकली एक इंडस्ट्री है जो कि काम करती है नेशनल स्किल डेवलपमेंट के साथ और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के साथ। ठीक है, तो इसकी जो हेडक्वार्टर है वो आपकी न्यू दिल्ली में है। अगला सवाल है, हु ऑन द F1 एमिलिया रोमैग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2020? तो 2020 का जो F1 फॉर्मूला रेस हुआ था एमिलिया रोमैगन ग्रैंड प्रिक्स का, तो उसको जीता है लेविस हैमिल्टन ने। ठीक है, ये लगातार 7वीं बार ऐसा हुआ है कि कोई मर्सिडीज आपका ड्राइवर जीता है। ठीक है, तो मर्सिडीज ये ग्रेट ब्रिटेन के ड्राइवर है जिन्होंने एमिलिया रोमैगन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का जीता है, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था ऑटोड्रोमो इंटरनेशनल एंजो एडेनो फरारी रेस ट्रैक इटली में। ये इनका इस सेशन का सीजन का 19वां जीत है, 9th विन है, और वही इनके करियर का 93rd विन है। ठीक है, और वैटरी बोटा दूसरे नंबर पे आए हैं और डेनियल रिकार्डियो रिकार्डो तीसरे नंबर पे। अगला सवाल है, व्हाट इज द नेम ऑफ टाइफून विच हिट्स द फिलीपींस? तो फिलीपींस में अभी हाल ही में बहुत ही बड़ा चक्रवात आया था, स्टॉर्म आया था, टाइफून। तो इसका नाम क्या था? इसका नाम है आपका सुपर टाइफून्स गोनी। गोनी नाम है इस टाइफून का। ठीक है, और ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि ये 2020 का दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइफून है, जो कि हिट किया है फिलीपींस का जो साउदर्न रीजन है, मेन आइलैंड ऑफ लजन को। गोनी बताया जा रहा है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टाइफून है जो कि 2013 के बाद कभी आया है। ठीक है, इसके पहले जो आया था वो 2013 में आया था, उसका नाम था हाइयान। ठीक है, जिसमें लगभग 6,300 लोगों की मौत हो गई थी। ठीक है, तो ये है आपकी फिलीपींस में अभी आई है टाइफून, उसका नाम है गोनी। ठीक है, फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट है वो है रोड्रिगो ड्यूरेटे ट्रेंडिंग, और इसकी जो कैपिटल है वो है मनीला, और यहाँ जो करेंसी चलती है वो है फिलीपीन पेसो। अगला सवाल है, टू होम AAI हैंड्स ओवर लखनऊ एयरपोर्ट? तो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लखनऊ एयरपोर्ट हैंड ओवर कर दिया। तो किन्हें यह हैंड ओवर किया गया है? यह किया गया है अडानी ग्रुप को। ठीक है, तो अडानी ग्रुप को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लखनऊ एयरपोर्ट हैंड ओवर कर दिया है एज अ पीरियड ऑफ 50 ईयर्स। तो लीज में ये एयरपोर्ट दिया गया है 50 साल के लिए, अब वो रन करेगी अडानी एयरपोर्ट। इसके साथ ही ये जो अदानी ग्रुप है वो बहुत सारे ऑपरेशंस भी देखेंगी और चाहेंगी कि और ज्यादा ये 5 एयरपोर्ट्स को एक्वायर करे। तो अभी 2019 में से बता दूं आपको, तो इन्होंने 6 मेजर एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज कर दिया, जैसे कि लखनऊ, अहमदाबाद, जबलपुर, मैंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी जैसे एयरपोर्ट को इन्होंने एक्वायर कर लिया। वो सभी लीज पे किया गया है और वो 50 साल के बाद फिर इनका खत्म हो जाएगा। अगला सवाल है, नेम द स्पोर्ट टू विच शेन वाटसन एसोसिएटेड विद? शेन वाटसन कौन सा क्रिकेट से एसोसिएट करते हैं, खेलते हैं? तो ये है क्रिकेटर, ये ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर प्लेयर हैं जिन्होंने ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट से रिटायरमेंट घोषित किया है। ठीक है, बता दूं आपको, 2016 में इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से ऑलरेडी रिटायरमेंट ले चुका है। ठीक है, उसके बाद ये डिफरेंट लीग्स मैच खेलते थे, जैसे कि कैरेबियन प्रीमियर लीग हो गया, इंडियन प्रीमियर लीग हो गया, और जैसे जैसे 10 ओवर का मैचेस होते थे उसमें ये खेलते थे। तो अब इन्होंने पूरी तरह से रिटायरमेंट की घोषणा की है और अब ये नहीं खेलेंगे, और इसी के साथ अगले साल ये आईपीएल में के ऑक्शन में भी अवेलेबल नहीं रहेंगे। वाटसन जो है वो राइट हैंडेड बैट्समैन है और राइट आर्म मीडियम बॉलर भी है। ठीक है, और इन्होंने रिटायरमेंट 2016 में लिया था, उसके बावजूद ये 2017 में ऑस्ट्रेलिया के T20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए थे, जो कि जनवरी में हुआ था। आखिरी बार इन्होंने जो कोई मैच खेला था वो खेला था चेन्नई सुपर किंग के तरफ से। ठीक है, तो इनका
करियर खत्म हो गया। अब कहने का मतलब इन्होंने रिटायरमेंट पूरी तरह से ले ली है। अगला सवाल है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पेंडेमोनियम। तो पेंडेमोनियम जो बुक है उसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर है तमल बंदोपाध्याय। तमल बंदोपाध्याय ने किताब लिखी है जिसकी टाइटल है पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी। ठीक है, और इनका कहना है कि ये बुक 9 नवंबर को रिलीज की जाएगी। ये जो बुक है वो आपकी रोल बुक्स के द्वारा पब्लिश की गई है, और बेसिकली ये जो बुक में आपकी बैंकिंग ट्रेजेडी जैसे कि लोन्स वगैरह फॉल्ट वगैरह, बैंक की फॉल्ट की वजह से बहुत लोगों ने उसका फायदा उठाया, बहुत तरह के आपका इकोनॉमी गिरी, लॉस हुई, तो इस सब चीजों के बारे में इस पुस्तक में बताई गई है। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।